हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि बीसीसी 2023 का रैंक कार्ड कब आएगा, पीसीएम का रैंक कितना बनेगा, अगर पीसीएमबी का ज्वाइंट एग्जाम दिए हैं तो कितना रैंक बनेगा। तो फाइनली आज रैंक कार्ड रिलीज कर दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो डाउनलोड सेक्शन में दिया गया है रैंक कार्ड ऑफ पीसीसी 2023, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिहार कम्बाइंड एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023। उसके बाद देखिए, तीन रैंक कार्ड बना होगा। अगर जो स्टूडेंट ओनली पीसीएम दिए होंगे या फिर पीसीएमबी दिए होंगे और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, जो स्टूडेंट ज्वाइंट रैंक चाहते हैं पीसीएम का या फिर पीसीबी का और सेकेंड वाले पे करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर का रैंक कार्ड वो पहले वाले पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं एक क्लिक करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले रोल नंबर डालना होगा जो बीसीसी का एडमिट कार्ड होगा उसे दे करके, और डेट ऑफ बर्थ चूज करना होगा, उसके बाद शो रैंक पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं एक स्टूडेंट का करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि यूआर रैंक कैसे चेक करना है और कंबाइंड रैंक कैसे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। तो देखिए, रैंक कार्ड ऑफ पीसीएम पीसीबी 2023। इसी तरह से अगर आप ज्वाइन चाहते हैं तो ज्वाइन पे क्लिक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रोल नंबर कितना है, नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स, देखिए रैंक कैसे देखना है। तो निजी में आएंगे तो जो भी आप एग्जाम दिए हैं वो एग्जाम का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद अनरिजर्व यानी कि यूआर जो जनरल रैंक बिहार लेवल पर रैंक बना है वो यूआर रैंक रहेगा। उसके बाद जिस कैटेगरी से है वो कैटेगरी रैंक रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मन में आता है कि रैंक कार्ड के बाद कौन सा प्रोसेस होगा। तो इसके बाद काउंसलिंग शुरू होगा, च्वाइस फिलिंग होगा और सीट अलॉटमेंट होगा। तो अगर एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जैसे च्वाइस फिलिंग होगा तो मैं चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।